स्टेज पर अपनी कला व अदा से लाखों का दिल जीतने वाली हरियाणवी मशहूर डांसर सुनीता बेबी व अन्य दो के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। हरियाणवी डांसर और उसके साथियों पर एक युवक को प्रताड़ित किए जाने का आरोप है। इसके बाद युवक ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक पर हरियाणवी डांसर ने अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगा। भिवानी में उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत पहले ही मामला दर्ज करवा रखा है, जिसके बाद युवक दबाव में था। मृतक युवक के परिजनों ने हरियाणवी डांसर द्वारा पैसे मांगकर समझौता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल लाखन माजरा पुलिस ने हरियाणवी डांसर सुनीता बेबी व उसकी दो सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लाखन माजरा के चिड़ी गांव का रहने वाला शिव कुमार पेशे से ड्राइवर है। कुछ दिन पहले शिव कुमार ने हरियाणवी डांसर सुनीता बेबी की कोई अश्लील वीडियो वायरल कर दी थी। इसके बाद सुनीता बेबी ने शिव कुमार के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत भिवानी में मामला दर्ज करवाया था। मृतक के परिजनों के अनुसार सुनीता बेबी ने शिव कुमार पर दबाव बना रखा था, जिसके बाद सुनीता ने पैसे लेकर समझौता करने की पेशकश भी की। परिजनों के अनुसार सुनीता ने 4 लाख रुपए में समझौते करने की बात भी की थी, लेकिन पैसे न होने के चलते शिव कुमार दबाव में था और उसने जहर पी सुसाइड कर लिया। ये चिड़ी गांव से एक लड़का है जिसका नाम शिव कुमार पुत्र करतार सिंह। तो शिव कुमार कल हमारे पास शाम को रुक कर आया था पीजीआई से कि किसी ने जहर खा लिया है। तो जहर खाने से जब मौके पर पहुंचे वहाँ पीजीआई के अंदर, तो उसके परिजन थे, रात के 7-8 बज चुके थे। उस टाइम उन्होंने बयान देना मना कर दिया और सुबह उनकी दिमाग की हालत ठीक ना होने से उसकी माँ थी और उसकी घरवाली और उसके चाचा का लड़का, मृतक के पिताजी पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, उसका एक भाई था वो भी पहले एक्सपायर हो चुका है। तो उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे लड़के को सुनीता बेबी को भिवानी से स्टेज डांसर है, दो लड़कियां और हैं रूबी और एक निर्मला, इन्होंने कोई झूठा मुकदमा उसके खिलाफ आईटी एक्ट का भिवानी महिला थाने के अंदर दर्ज करवाया हुआ है, जिससे ये लड़का परेशान रहता था, अपनी सामाजिक बदनामी माने हुए था, पिछले 1.5 महीने से उसको परेशान कर रही थी और उसकी वजह से, परेशानी की वजह से, अपनी सामाजिक बदनामी की वजह से इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। ये 3 औरतों के खिलाफ हुआ, सुनीता बेबी, रूबी और निर्मला। तो सर ये भी बताया गया है कि ये पैसे वैसे मांग रही थी समझौता करने के लिए। हाँ, वो तो अभी जांच का विषय है, महिला थाने भिवानी के अंदर इनके FIR दर्ज है। अब उनको वहाँ कुछ दबाव कितना बनाया कितना नहीं बनाया ये अभी तफ्तीश का मैटर है। कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस की हमने टीम बना दी है, तो वो अपने फील्ड में गई हुई है, जितने भी सबूत इनके खिलाफ गुजरेंगे हम गिरफ्तार कर लेंगे।